दिल्ली के वडाला के डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज में राष्ट्रीय वर्चुअल कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतियोगिता में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र जैन, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आनंद राज अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यशोधरा वराले, वरिष्ठ वकील क्योमर्स के की केरावाला और उद्योगपति नितिन त्यागी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में 16 लॉ कॉलेजों ने हिस्सा लिया। इस दौरान न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने विधि छात्रों को कानूनी पेशे के बारे में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि कानून के क्षेत्र में नाम कमाने के लिए कानून के छात्रों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आए दिन नए नए कानून आ रहे हैं, कानून तेजी से बदल रहे हैं। वहीं उन्होंने छात्रों को बताया कि कोर्ट में बहस करते समय वकीलों को जजों के सामने देखकर बोलना चाहिए, इससे वकीलों के आत्मविश्वास का पता चलता है। यदि आप इधर उधर देखकर कागज छान कर बहस करने लगते हैं तो जज का ध्यान आपसे भटक जाता है। यही सब बताते हुए न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने अपना संबोधन खत्म किया। वहीं राष्ट्रीय वर्चुअल कोर्ट प्रतियोगिता में कर्नाटक कॉलेज ऑफ लॉ चांबूर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि गोखले एजुकेशन सोसाइटी लॉ कॉलेज खारघर ने दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि इस राष्ट्रीय वर्चुअल कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन अंबेडकर लॉ कॉलेज के उप प्राचार्य सुभाष सोनकर के मार्गदर्शन में किया गया। But one thing which I should tell from my experience as to what you should do when you enter this field, you should have to marshal your facts properly. Law will come later on, but on facts you have to be very, very clear. The moment if judge asks you some question on fact and you are unable to reply, then it creates a wrong impression or bad impression. So fact is something which you have to marshal. Second is the law. You have to update yourself every day because the field changes so fast. While we are discussing, there will be some new case laws coming which gets reported. So you have to keep yourself updated. And that is what will put you on edge over the others. You have to do constant research. Whenever any matter comes to you, you have to see that your research is up to date.